किसान मोर्चा ने 6 फरवरी को 12 से 3 बजे तक चक्का जाम करने की घोषणा की है। इस दौरान सभी नेशनल और स्टेट हाईवे बंद रहेंगे। मोर्चा के नेताओं का आरोप है कि आंदोलन स्थल की बिजली पानी काटी जा रही है, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, शौचालयों की संख्या कम कर रहे हैं, रास्ते बंद कर रहे हैं, जिससे आंदोलन को समर्थन कम मिल सके। संयुक्त किसान मोर्चा ने कुंडली बॉर्डर पर चर्चा कर रणनीति बनाई और आरोप लगाया कि लगातार युवाओं से मारपीट की जा रही है। 26 जनवरी को जो वाहन जब्त किए गए थे उनके बारे में कोई अता पता नहीं दिया जा रहा। सरकार सड़कें खोदने के साथ ही गलियों के भी रास्ते बंद कर रही है। किसान नेताओं का कहना है कि ऐसे माहौल में सरकार से बातचीत का कोई औचित्य ही नहीं है। यूपी गेट पर धरना दे रहे भाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसानों के लिए अलग से बजट और कृषि ऋण को माफ करने की मांग की। उन्होंने कहा कि किसानों को मुफ्त बिजली देने की योजना भी सरकार को लानी चाहिए, बजट से निराशा ही हाथ लगी है। साथ ही उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और एमएसपी की गारंटी सरकार दे, इसके बाद ही वो धरना समाप्त करेंगे। वो वार्ता के लिए तैयार हैं और नए सिरे से ये वार्ता होनी चाहिए। बता दें कि दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी है। आंदोलन में असामाजिक व बाहरी तत्वों की निगरानी के लिए औचक निरीक्षण की रणनीति तैयार की गई है। संदिग्ध लगने पर किसी भी व्यक्ति को अपनी पहचान स्पष्ट करने के लिए कहा जा सकता है। ऐसे में उसको अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। पहचान पत्र नहीं होने पर पुलिस की संतुष्टि होने तक व्यक्ति को हिरासत में भी रहना पड़ सकता है। वहीं नया आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। गौरतलब है कि 26 जनवरी को हिंसा के बाद पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर से आंदोलनकारियों को हटाने की कोशिश की थी, जिसके बाद किसान नेता राकेश टिकैत का रोता हुआ वीडियो सामने आया था। इस वीडियो के आने के बाद कमजोर पड़ता किसान आंदोलन फिर से रफ्तार पकड़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीडीटीवी भारत।